फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फेस्टिवल क्रोचर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये सुंदर सा थालपस बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद, इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस थालपस के लिए हमने यहाँ पर रेड कलर लिया है फ्रेंड्स, 4 प्लाई ऊन है हमारा, क्रोशे हमने 11 नंबर का लिया है। सबसे पहले धागे में हमें नोट लगा लेनी है, फिर हमें बनानी है यहाँ पे 4 चैन, 1 2 3 4। पहली वाली चैन में हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है, ये देखिए। फिर हमें बनानी है 3 चैन, 1 2 3। फिर जो हमारा ये सर्कल है, ये देखिए, इस सर्कल के अंदर हमें बनानी है 11 डबल क्रोशिया। 3 चैन बनाया है वो पहले डबल क्रोशिया है, उसके बाद फिर हमें 11 बनानी है, टोटल हमें 12 डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमारे हो गए 1 2 3 4। इसी तरह हमें बाकी की बना लेनी है डबल क्रोशिया, टोटल हमें 12 बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर जो हमारा तीसरा चैन है वहाँ पे स्लिप स्टिच से हमें जॉइंट कर लेनी है। ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया, फिर एक चैन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे दूसरा कलर लेना है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, हमें नोट लगा लेनी है। फिर हमने जहाँ पर धागे को कट किया है वहाँ पे इसे जॉइंट कर लेनी है सिंगल क्रोशिया। फिर हमें बनानी है यहाँ पे 3 चैन, 1 2 3। इस लाइन में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सभी डबल क्रोशिया पर हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनानी है। हमने फर्स्ट लाइन में 12 बनाई थी, सेकंड लाइन में हमें 24 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमने पहले बना ली, फिर उसी डबल क्रोशिया पर हमें दूसरी बनानी है, ये देखिए। फिर हमें क्या करनी है, फिर जो अगले डबल क्रोशिया है फिर उस पर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। सभी डबल क्रोशिया पर हमें 2 2 डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है, ये देखिए। इस तरह हमें ये दूसरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर जो हमारी तीसरी चैन है वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेना है। ये हमने जॉइंट कर लिया, फिर एक चैन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे तीसरा कलर लेना है, हमने यहाँ पर क्रीम कलर लिया है। धागे में हमें नोट लगा लेनी है। जहाँ हमने धागे को कट किया है, जो हमारा तीसरा चैन था, यहाँ पर हमें इसे जॉइंट कर लेनी है सिंगल क्रोशिया। फिर हमें बनानी है 3 चैन, फिर इसी डबल क्रोशिया पे हमें बनानी है 2 और डबल क्रोशिया, 1 2, ये देखिए 3 हमने बनाया। फिर 1 चैन, फिर क्या करनी है, सेकेंड वाली स्किप करनी है, जो थर्ड वाली है वहाँ पर फिर 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3, फिर 1 चैन, फिर अगली वाली स्किप करनी है, फिर उसकी अगली वाली में फिर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 1 डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है। फिर 1 चैन, फिर अगली स्किप करनी है, फिर उसकी अगली वाली में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लिया। देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी है कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 चैन नहीं बनानी है, ये जो हमारा तीसरा चैन है वहाँ पे हमें उसको डालनी है, इस तरह हमें निकालनी है और फिर दोनों को साथ में हमें ले लेनी है, ये देखिए। इस तरह हमें यहाँ पे जॉइंट करनी है, फिर बनानी है 1 2 2 चैन, फिर इसी स्पेस में, ये देखिए, इसी स्पेस में हमें 1 और डबल क्रोशिया बनानी है, ये हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पर जो ये पहले जो 3 चैन वाली है इस पर 1 डबल क्रोशिया बनानी है,
फिर जो उसकी अगली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक बनानी है। हमें बढ़ते हुए क्रम में हमें इंक्रीज करनी है डबल क्रोशिया को। तो हमने यहाँ पर पिछले लाइन में हमने तीन बनाया, इस लाइन में हमने दो तीन चार बनाया, फिर एक चैन बनानी है। लास्ट वाली डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है, जो फिर हमने जो एक चैन बनाया था यहाँ पर हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो। फिर ये जो हमारे यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया है, दो डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, और जो थर्ड वाली डबल क्रोशिया है उसे हमें स्किप करनी है। तो इन दोनों के ऊपर हमें एक एक बना लेनी है। ये हमारे हो गए चार डबल क्रोशिया, दो हमने जो चैन बनाया था, जो हमारा स्पेस था उसमें हमने दो बनाया, फिर अगली दो डबल क्रोशिया पर एक एक बनाया, फिर एक चैन, फिर लास्ट वाली हमें स्किप करनी है, फिर उसकी अगली वाली जो हमारी स्पेस है वहाँ पर हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है, हमें बढ़ते हुए बनानी है, तीन का हमें चार करना है। फिर हमने दो वाली डबल क्रोशिया में बनाया दो, लास्ट वाले में स्किप करनी है एक चैन, फिर जो स्पेस है यहाँ पर फिर दो डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरह हमें इस लाइन को बनाना है, पहली वाली डबल क्रोशिया पे, दूसरी वाली डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन बनानी है। थर्ड वाली लास्ट वाली हमें हमेशा स्किप करनी है डबल क्रोशिया, हमें ये याद रखनी है। तो इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर जितने भी ऊन लिए हैं सारे हमारे फोर प्लाई हैं। फिर हमें क्या करनी है, सेम प्रोसेस, हमें यहाँ पर जॉइंट नहीं करनी है, हमें यहाँ पे तीसरे जो हमारा तीसरा चैन है ये देखिए, हमें हुक को डालना है, इस तरह धागा हमें निकालनी है लूप को, और फिर साथ में दोनों को हमें इस तरह ले लेनी है। फिर बनानी है दो चैन, यहाँ पे हमें दो चैन ही बनानी है। फिर सेम प्रोसेस, इसी स्पेस में हमें एक और डबल क्रोशिया बनानी है। जब भी हमें इंक्रीज करनी है डबल क्रोशिया तो हमारा जो स्पेस है उसी स्पेस में हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है उस, और फिर जो हमारी लास्ट डबल क्रोशिया है वो हमें हर टाइम स्किप करनी है। तो हमने पिछली लाइन में चार बनाया था, इस लाइन में हमें पाँच बनानी है, दो हमने बना लिया, फिर अगले तीन डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमने बना लिया टोटल पाँच। फिर एक चैन बनानी है, फिर लास्ट वाली हमें स्किप करनी है, ये हमें हमेशा याद रखनी है। फिर जो हमारा ये स्पेस है यहाँ पर हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो, फिर अगले तीन डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। तो इसी तरह हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। फिर एक चैन लास्ट वाली हमें स्किप कर लेनी है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें, तो ये लाइन जब हमारी कंप्लीट हो जाए तो फिर अगली लाइन भी हमें बना लेनी है। टोटल हमें यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया तक हमें बना लेनी है। सेम प्रोसेस से हमें हर लाइन में लास्ट वाली स्किप करनी है, और जो हमारा स्पेस है यहाँ पर हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमने यहाँ पे बनाया था तीन चार पाँच, फिर अगली में छः बनानी है, सात आठ, इस तरह करके हमें 12 डबल क्रोशिया तक इसे हमें बना लेना है। सेम प्रोसेस से ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पर इसे 12 डबल क्रोशिया तक हमने बना लिया है। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 डबल क्रोशिया तक हमने इसे बना लिया है। फिर हमने यहाँ पर जॉइंट करके एक चैन बना के धागे को हमने कट कर लिया है, ये देखिए। फिर हमें क्या करना है, हमें ग्रीन कलर का धागा लेना है, धागे में हमें नोट लगा लेनी है। फिर जहाँ पर हमने कट किया वहाँ पर इसे जॉइंट कर लेनी है। फिर हमें यहाँ पर जितनी भी डबल क्रोशिया है, पहले हमें यहाँ एक चैन बना लेनी है, फिर यहाँ पर जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी पे सिंगल क्रोशिया हमें बना लेनी है, ये देखिए इस तरह। इन 12 डबल क्रोशिया पर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर जो हमारे यहाँ एक का स्पेस है यहाँ पे हमें तीन चैन बनानी है, एक दो तीन, फिर जो हमारे फिर डबल क्रोशिया है, फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो इसी तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। सिर्फ जहाँ पर एक चैन है वहाँ पे तीन चैन बनानी है, फिर सभी डबल क्रोशिया पर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो इसी प्रोसेस से इस लाइन को हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है।
स्लिप स्टिच से हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिया। एक चेन बना के धागे को हमें कट कर लेना। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये फ्लावर हमें बनानी है। ये देखिए मैंने मल्टी कलर की फ्लावर बनाई है, किसी एक कलर की भी फ्लावर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पिंक कलर लिया है फ्रेंड। तो सबसे पहले धागे में हमें नोट लगा लेनी है, फिर हमें इसे लेना है। ये जो हमने तीन चेन बनाया था वहाँ पे हमें धागे को लेनी है, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया हमने। फिर बनानी है एक दो तीन चैन, फिर इसी स्पेस में हमें बनानी है डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमने चार टाइम डबल क्रोशिया बनाया, एक दो तीन चार। फिर बनानी है हमें तीन चैन, स्टार्टिंग हमने तीन चेन बनाया था, एंडिंग में भी हमें तीन चेन बनानी है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेनी है। फिर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, इसे हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर जो हमारे तीन चेन बनाया था हमने, जो स्पेस है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर लूप को हमें लंबा करना है, एक दो तीन चार, सभी को एक साथ ले लेनी है। फिर इसे हमें पैक कर लेना है। फिर अगले वाले स्पेस में बनानी है, एक दो तीन चार, पांच टाइम हमें लेनी है, सभी को ले लेनी है हमें। फिर इसे पैक कर लेना है। फिर अगली वाली में एक दो तीन चार पाँच, सभी को ले लेनी है। इस तरह हमें इसे पैक कर लेना है। फिर अगली वाली में एक दो तीन चार, पाँच, सभी को ले लेनी है। फिर इस तरह पैक कर लेना है। फिर अगली वाली में सभी में हमें इस तरह बनानी है, एक दो तीन चार पाँच, सभी को ले लेनी है। इस तरह हमें पैक कर लेनी है। फिर हमें क्या करनी है, ये हमारी उल्टी साइड है, ठीक है फ्रेंड, हमें उल्टी साइड ही से इस तरह जॉइंट करनी है। ये जो पहली वाली पफ है उसके ऊपर जो दो चैन है, ये देखिए यहाँ पे हमें उनको डालनी है। ये जो हमारे लूप है इसे इस तरह हमें ट्रांसफ़र कर लेनी है। फिर एक चैन, फिर क्या करनी है फ्रेंड्स कि पफ के बाद जो हमारा स्पेस है, ये देखिए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन हमने बना लिया। एक दो तीन, चौथे वाले चेन में हमें हुक को डालना है और सिंगल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए। फिर उसी स्पेस में हमें एक और डबल क्रोशिया बनानी है। फिर तीन चैन, फिर जो हमने डबल क्रोशिया बनाई उसकी पीछे साइड, ये देखिए उसके पहले जो स्पेस है यहाँ पे हमें हुक को डालना है। फिर सिंगल क्रोशिया, फिर पफ की दूसरी पफ के बाद जो स्पेस है ये देखिए यहाँ पे हमें हुक को डालना है। फिर डबल क्रोशिया, तीन चैन, फिर हमें डबल क्रोशिया के पीछे वाले जो स्पेस है वहाँ पर हुक को डालना है। फिर सिंगल क्रोशिया, उसी स्पेस में फिर हमें एक और डबल क्रोशिया बनानी है। फिर तीन चैन, फिर पीछे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर स्पेस में हमें दो दो बनानी है। फिर अगली वाली पफ में हमें जानी है, फिर डबल क्रोशिया, तीन चैन, पीछे पीछे हमें डालना है और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट। फिर उसी स्पेस में एक दो तीन, ये देखिए। फिर अगले वाली पफ में हमें बनानी है, एक दो तीन, दूसरी बनानी है हमें एक दो तीन, हमने यहाँ पे बना लिया। फिर हमें यहाँ पे ये दोनों हमारे जॉइंट है तो यहाँ पे हमें नहीं बनानी है। तो हमने जहाँ पर ये चौथे चैन पे जो हमने ज्वाइंट किया था यहाँ पे डालनी है हुक को, स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, धागे को हमें कट कर लेना है। ये फ्लावर बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए। इसे हमें इस तरह फैला लेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं उसे अंदर की तरफ इसे निकाल कर देनी है, ये देखिए। ये फ्लावर बन के हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर हमारा फ्लावर बन गई। अब हमें इसकी स्टीम बनानी है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ इसे कैसे बनानी है।
तो हमें ग्रीन कलर का धागा लेना है। धागे में सबसे पहले हमें नोट लगा लेनी है। हमने यहाँ पे से नोट लगा लिया, फिर हमें क्या करनी है, इसे हमें इस तरह करना है। ये देखिए हमने लगा लिया, फिर ये देखिए जो हमने तीन चेन बनाया था, ये जो जहाँ पे हमने फ्लावर बनाया है उसी स्पेस में हमें इसे डालनी है इस तरह। फिर हमें क्या करनी है, लूप को हमें लंबा करना है। फिर ये देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई थी उसके बीच में हमें डालनी है। ये देखिए यहाँ पे ये एक दो तीन, ये लास्ट में हमें डालनी है और तब कॉर्नर पे ही निकालनी है। ये देखिए ये हमें कॉर्नर में ही निकालनी है, ये जिस तरह हमने यहाँ पर कॉर्नर में ज्वाइन किया था उसी तरह हमें ये कॉर्नर पे ही निकालनी है। ये देखिए चार, एक दो तीन चार टाइम हमने निकाला, सभी को इस तरह पैक कर लेनी है। ये देखिए फिर ये जो 12वीं नंबर की है इसे स्किप करनी है, जो 11वीं नंबर की है उस पर हमें इसे ज्वाइन करना। तो हमें याद रखना है धागे को हमें नीचे तरफ ही रखनी है और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट। फिर बनानी है दो चैन, फिर उसकी नीचे वाली लाइन में हमें ज्वाइन करनी है, धागे में नीचे ही रखने हैं, फिर दो चैन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फिर हमें इसी तरह सभी में जोड़ लेनी है, एक दो। सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो, एक दो चैन, फिर दो चैन सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर दो चैन सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, दो चैन सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, दो तक हमें यहाँ पे जोड़ लेनी है। जो हमने दो डबल क्रोशिया बनाई थी वहाँ तक हमें इसे, ये देखिए यहाँ तक हमें इसे जॉइंट कर लेनी है। फिर एक चेन बना के धागे को हमें कट कर लेना है, फिर इसे नीचे की तरफ धागे को हमें हाइड कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे आप फ्लावर या मोती किसी को भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। फिर इसमें भी हमें बना लेनी है, यहाँ पे हमें दूसरे कलर का बनाना है तो इसे भी हमें बना लेनी है इसी प्रोसेस से। धागे में पहले हमें नोट लगा लेनी है। किसी भी कलर की आप फ्लावर बना सकते हैं या तो सेम कलर की भी फ्लावर आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मल्टी कलर का बनाया है, आप सिंगल कलर से भी आप फ्लावर बना सकते हैं, लेकिन जो हमारी स्ट्रीम है वो हमें ग्रीन कलर की ही बनानी है। ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, फिर तीन चैन, फिर डबल क्रोशिया एक चैन, डबल क्रोशिया एक चैन, डबल क्रोशिया एक चैन, डबल क्रोशिया, चार टाइम हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई है और दोनों तरफ हमें तीन तीन चैन बनानी है और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट। फिर हमें इसे टर्न करना है, टर्न करने के बाद फिर ये जो हमारा स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर हमें यहाँ पे सभी में पफ बना लेनी है। ये हमने यहाँ पर इसे बना लिया, इसे हमें छोड़ देनी है, जो पहली वाली है उसके ऊपर जो चैन है वहाँ पे हुक को डालना है और इस तरह हमें इसे कर लेना है, फिर एक चैन। फिर हमें क्या करनी है, पफ के बाद जो हमारे स्पेस है वहाँ हुक को डालनी है सिंगल क्रोशिया, पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, चौथे वाले पे हमें हुक को डालना है फिर सिंगल क्रोशिया, फिर उसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनानी है हमें, फिर तीन चैन, फिर यहाँ पर बैक साइड में हमें फिर इसे सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लेनी है। फिर दूसरी पफ के बाद जो हमारा स्पेस है वहाँ पे हमें बनानी है डबल क्रोशिया, इसी तरह हमें बना लेनी है, हर स्पेस में दो दो बनानी है इस तरह हमें बाकी में बना लेनी है।
ये देखिए ये हमने यहाँ पर बना लिया। ये दो जॉइंट जो है यहाँ पे हमें नहीं बनानी है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे आ जानी है और स्लिप स्टिच एक चैन धागे को हमें कट कर लेना है। फ्लावर बन के हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। तो एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें अंदर कर लेना है, फिर उसे इस तरह हमें फैला लेना है फ्लावर को। फिर अब हमें इसकी स्टीम बनानी है, तो हमें ग्रीन कलर का धागा लेना है। धागे में हमें नोट लगा लेनी है, हमें इस तरह लेनी है थालपोस को। जहाँ पर हमने तीन चेन बनाया था वहीं पर हमें इस ग्रीन को भी अटैच कर लेनी है। फिर लूप को हमें लंबा करना है। फिर ये देखिए एक ये जो हमने डबल क्रोशे बनाया था उसके बीच में डालनी है। ये देखिए दो, ये तीन और ये चार। कॉर्नर भी हमें निकालनी है स्पेस के अंदर जो है वहाँ तक, फिर सभी को एक साथ ले लेनी है। फिर ये जो 12 नंबर की है लाइन इसको छोड़नी है, 11वें पे हमें डालनी है हुक को। धागे हमें नीचे ही रखने हैं और सिंगल क्रोशिया से जॉइन। फिर दो चैन, फिर हमें इस तरह ये सभी यहाँ तक हमें बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये थालपोस बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स बनने के बाद। ये देखिए ये जो हमने 12 तक बनाया है फ्रेंड्स, इसे आप इसे और बड़े भी बना सकते हैं। इसको जितनी बड़ी बनानी है उतनी बड़ी आप इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मल्टी कलर का फ्लावर बनाया है, आप सिंगल कलर का भी फ्लावर बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये थालपोस बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स बनने के बाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें। न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें फ्रेंड्स कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।